विराट कोहली बने 2021 में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाली पर्सनालिटी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनीता और आप देख रहे हैं डीएनपी स्पोर्ट्स। दोस्तों, भारतीय टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान विराट कोहली सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाली पर्सनालिटी बने हैं। याहू ने 2021 में भारत की लिस्ट जारी की है। इस सूची के तहत कोहली स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी के हिसाब से सर्च किए जाने वाले दूसरे व्यक्ति बने हैं। उनके बाद पूर्व कप्तान एमएस धोनी और टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा को सर्च किया गया है। आपको बता दें दोस्तों कि कोहली ने इस साल टी20 विश्व कप से पहले टी20 की कप्तानी छोड़ने की घोषणा की थी। उसके बाद उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की भी कप्तानी छोड़ने की घोषणा कर दी थी। हालांकि वे टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान बने रहेंगे। दोस्तों, कोहली की कप्तानी में भारत ने 2019 में वनडे विश्व कप में सेमीफाइनल तक का सफर तय किया था। वहीं पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी टीम इंडिया पहुंची थी। हालांकि फाइनल में उसे न्यूजीलैंड से हार का सामना करना पड़ा। भारत में कोहली ने 30 टेस्ट मैचों में कप्तानी की है। 23 मैचों में टीम को जीत मिली है, वहीं 5 मैचेस ड्रॉ रहे हैं। भारत में कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया सिर्फ 2 बार ही हारी है। दोस्तों, धोनी सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाली पर्सनैलिटी में 6 स्थान पर काबिज है। धोनी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बावजूद लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। वे दुनिया के सबसे ज्यादा प्रेरित करने वाले व्यक्तियों की सूची में 6 स्थान पर काबिज हैं। धोनी अभी केवल इंडियन प्रीमियर लीग खेलते हैं। 2021 में चेन्नई सुपर किंग्स ने धोनी की कप्तानी में 4th बार IPL टाइटल अपने नाम किया है। वहीं टी20 वर्ल्ड कप के लिए उन्हें टीम इंडिया का मेंटोर भी बनाया गया था। आपको बताएं दोस्तों कि चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें 12 करोड़ में 2022 के लिए रिटेन भी कर लिया है। दोस्तों, नीरज चोपड़ा इस सूची में 19वें स्थान पर काबिज हैं। नीरज चोपड़ा इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट से ताल्लुकात नहीं रखते हैं। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद वे इस सूची में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाली पर्सनैलिटीज में 19वें स्थान पर काबिज हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये तमाम जानकारियां हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए डीएनपी स्पोर्ट्स।